एक जमाने से लोगों को वैक्सीन या बीमारी जो आने वाले एपिडेमिक फॉर्म के अंदर उसकी रोकथाम कैसे करनी चाहिए, इसकी तलाश और इसके दवाओं की तलाश जारी थी। तो होम्योपैथी भी पीछे नहीं रही और बहुत साल पहले डिफ्थीरिया, जी हाँ डिफ्थीरिया जिससे डीपीटी हम जो हम लोग इंजेक्शन देते हैं अभी, तो डिफ्थीरिया पहले बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। तो काफी लोगों ने सोचा कि भाई क्यों ना होम्योपैथी से भी कुछ डिफ्थीरिया का रोकथाम हो सकती है क्या एपिडेमिक में। तो इसीलिए उन्होंने डिफ्थीरिया जिनको होता था बच्चों को अगर हुआ तो उन्हीं के गले से जो सलाइवा या स्पूटम लेके उससे दवा बनाई थी, होम्योपैथिक दवा, और दी गई थी और लिखा गया है होम्योपैथी के अंदर कि काफी अच्छा रिजल्ट आया है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वणक्कम दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्या नोसोड्स एपिडेमिक की, या ऐसी कोई दवा जो ऐसी कोई बीमारियां जो बहुत सारे लोगों में फैल गई है उनके लिए एज अ वैक्सीन सॉर्ट ऑफ, एज अ प्रोफिलेक्सिस, एज ए प्रिवेंटिव काम कर सकती है क्या, एज एन इम्यून बूस्टर काम कर सकती है क्या। तो बहुत सालों से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी हुए हैं, जैसे मैलेंड्रिनम करके एक दवा है, तो किताबों में लिखा गया कि स्मॉल पॉक्स जो अभी तो है ही नहीं बीमारियां, 1978 के बाद से हार्डली कोई केसेस मिले हैं, तो उसके पहले मैलेंड्रिनम करके एक दवा खोजी गई थी कि भाई ये अगर आप फैमिली में दे दो, जैसे एक बंदे को अगर स्मॉल पॉक्स हुआ है तो बाकी फैमिली को अगर दे दो तो उनको स्मॉल पॉक्स के सिम्टम्स बहुत कम आते थे या नहीं आते थे। उसी तरह से मीजल्स देवी बोलते हैं या माता बोलते हैं, जहाँ चट्टे आते हैं, बच्चों को बुखार आता है, बच्चों में खास करके होता है चिकन पॉक्स, मीजल्स, बुखार आ जाता है, फोड़े फुंसी आ जाते हैं और ये 7-10 दिन तक रहता है। कुछ लोगों को, कुछ बच्चों में या कुछ बड़ों में, वो सिर्फ स्किन तक नहीं रहता, सिर्फ ब्लड में नहीं रहता, मस्तिष्क में चले जाता है और थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो उसको प्रिवेंशन, या जैसे एक घर में 4 बच्चे हैं, एक को हुआ तो बाकी 3 बच्चों को ना हो, तो वैरियोलम करके एक दवा दी जाती थी, अभी भी दी जाती है। और काफी देखा गया है कि अगर होता भी है बाकी 3 बच्चों को तो बहुत ही कम प्रमाण में या नाम मात्र होता है। तो वैक्सीनेशन के स्वरूप के अंदर इनफैक्ट कुछ लोग स्टडीज ये भी हुई है कि डायबिटीज के अंदर या कैंसर के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल एक फैमिली भी के अंदर पिताजी को बोन टीबी है या बोन कैंसर है सॉरी, तो बाकी बच्चों के अंदर कोई दूसरा टाइप तरीके का कैंसर ना हो, बिकॉज जीन्स तो अगर है तो ना हो, तो कार्सिनोसिन नाम का एक जो दवा है वो पर्टिकुलर पोटेंसी में कई साल तक दी गई हो, साल में एक बार, वैसे 5 या 6-7 साल तक दी गई हो, तो ये जो ट्रांसमिटिक फीचर्स है यानी बच्चों के अंदर कैंसर ना आए, आए तो भी बहुत जल्दी पकड़ में आ जाए, तो ये ऐसी स्टडीज भी हुई है दोस्तों। नोसोड्स पूरी अलग अलग टाइप के जो नोसोड्स है, कार्सिनोसिन है, मेडरिनम है, सिफिलिनम है, ये बहुत बार प्रेगनेंसी में भी दी जाते हैं, अगर माँ या बाप को फिक्स डिजीज है और वो बच्चों में ना आए, ऐसा काफी सारी स्टडीज हुई है और काफी सारे लोग अभी तक देते आ रहे हैं। ऑफ कोर्स पूरी तरह से पब्लिकेशंस उसके बाकी है, पुष्टता बाकी है, लेकिन इसको नोसोड्स एज ए फैमिली को भी हम लोग इस तरह से यूज कर सकते हैं दोस्तों। कोई भी प्रश्न हो तो ये वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आदल होम्यो सेंटर के नाम से हूं, वहां भी आप मुझे फॉलो करके वहां भी आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। और मुंबई आता हूं फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ, वहां अगर आप मुझे मिलना चाहे यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन 7620592847, 7620592847। बाकी दिन नागपुर महाराष्ट्र में रहता हूं, वहां पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9307965618। ऑफकोर्स अमेजोन पे तो मैं अवेलेबल हूं, अमेजोन पे नोसोड्स नामक एक पूरी किताब हमने लिखी हुई है, वो आप परचेज कर सकते हैं, और आपको बहुत छोटी सी किताब है लेकिन बहुत ज्ञानपूर्वक है। थैंक यू वेरी मच।